जंगल जंग का मैदान है। यहां कदम कदम पर युद्ध छिड़ा है। दो नर्स कोडेड डियर भिड़े हुए हैं। ये मादा को प्राप्त करने की लड़ाई है। संग्राम जीतने वाला अपनी भावी पीढ़ी को सुनिश्चित करेगा। मादा नहीं मिलने की वजह से नर हिरण पेड़ पर गुस्सा निकाल रहा है, पर इस गुस्से के पीछे भी प्राकृतिक विकास प्रक्रिया है। दरअसल हिरण के पेड़ पर सींग रगड़ने से वेलवेट निकल जाता है और एंटलर मजबूत हो जाता है। इससे हिरण का रक्त संचार बेहतर काम करने लगता है। हम नौजवान बब्बर शेर भूरिया बंधुओं के पीछे थे, जिनको और मोटो नाम के भीमकाय भाइयों के हाथ मिली हार के बावजूद दोनों नौजवान हिम्मत से लबरेज हो देवा डूंगर रेंज में दाखिल हो चुके थे। इरादा साफ था, अगर है कोई टक्कर देने वाला तो वो जान ले कि अब यहां भूरिया बंधुओं का राज चलेगा। भूरिया बंधु अब देवा डूंगर रेंज पर आधिपत्य जमाने आ चुके थे। नए इलाके में शाम को हमें एक कद्दावर नरसिंह दिखाई दिया, जिसका नाम था टीलिया। इसकी भीषण दहाड़ से जंगल कांपने लगा। देवा डूंगर के राजा के दांत देख चित्तलों को साक्षात मौत नजर आती। मोर जैसे पक्षी जमीन पर दुबक जाते। ऐसे बब्बर शेर के इलाके में बेखौफ घूम रहे थे भूरिया बंधु। जैसा कि अंदेशा था, देर रात टीलिया के सामने भूरिया जोड़ी आ गई और फिर भयंकर लड़ाई। अकेला टीलिया दो नौजवानों के सामने टिक नहीं पाया और घायल हो गया। अब देवाडूंगर रेंज के सम्राट थे भूरिया बंधु। दोनों भाई सरे राह बैठकर बेखौफ हो अपनी जीत का ऐलान कर रहे थे। पर दूसरी तरफ राजा टीलिया अपना साम्राज्य खो चुका था। भिड़ंत के बाद जंगल के कानून का पालन करते हुए टीलिया अब देवाडूंगर छोड़ आगे बढ़ गया। उसका नया ठिकाना था रायडी। टीलिया दर्द में था। यह दर्द घावों से नहीं था, यह दर्द था देवाडूंगर में मिली हार से। भूरिया बंधु देवाडूंगर जैसे बड़े इलाके के राजा बने थे। इस जीत के साथ हम शक्ल भाइयों ने साबित कर दिया था गीर की तरह उनका भविष्य उज्जवल है। टीलिया ने भी नए क्षेत्र रायडी में फिर से सत्ता कायम कर ली और यह नया शिकार उसके नए शासन का ऐलान कर रहा है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि माँ अपनी जान की बाजी लगाकर अपने शाव को यानी कि जंगल के नन्हे युवराज को बचाने के लिए कैसे शेर को चकमा देती है। माँ के अद्भुत प्रेम की दास्तान देखिए आगे